हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय किचन माय डिश। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन बंजारा की रेसिपी, जो पकाने में बहुत इजी और बहुत कम मसालों से बनता है। और चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तुरंत शुरू कर लेते हैं रेसिपी। मैंने प्रेशर कुकर को गैस पे रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है और इसमें डालूंगी मैं 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल। ऑयल इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बिल्कुल कम ऑयल में बनने वाली रेसिपी है ये। 4 छोटी इलायचियाँ ले ली, इसे डाल दिया है इसके अंदर, मुंह खोल दिए हैं दबा के और इसे 30 सेकेंड तक मैं स्लो आंच के ऊपर तल लेने वाली हूँ। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 150 ग्राम प्याज बारीक काट के। मैंने 300 ग्राम प्याज काटी थी बारीक करके, उसमें से आधी प्याज मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो इस प्याज को सॉटे करना है, इस प्याज को रेड नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, बस सॉटे करना है ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसके बाद ये पूरा रेसिपी बना देना है इसके अंदर। तो ये करने में 4-5 मिनट लगेंगे प्याज को सॉफ्ट होने में। प्याज बहुत बारीक काटी है मैंने, क्रशर में काटी है और ये देखिए प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा हल्का गुलाबी सा हो गया है। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून के जितना और अब इस लहसुन अदरक को भी इस प्याज के साथ में भूनेंगे। 2-3 मिनट तक प्याज के साथ में लहसुन अदरक को भूनेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, जितनी टेस्टी है उतनी ही इजी भी है। इसे आप आराम से जब भी खाने का दिल करे तो चावल के साथ में या चपाती के साथ में बना के खा सकते हैं। तो ये लहसुन और प्याज अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त को मैंने आधा किलो मटन लिया है और उसे धोकर साफ कर लिया है। तो ये गोश्त को आंच को तेज रखेंगे और गोश्त को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सारा गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया। पीसेस इसके बहुत बड़े नहीं हैं, मीडियम भी नहीं है, छोटे छोटे पीसेस कराए हैं जो कि बहुत जल्दी गल जाने वाले हैं, 4-5 सीटियों में गल जाने वाले हैं। नमक ऐड कर देंगे 1 मिनट चलाने के बाद। नमक मैंने 1 चम्मच डाला है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी और नमक के साथ में भी गोश्त को 1 मिनट तक भूनेंगे। पानी बिल्कुल अभी ऐड नहीं करना है, गोश्त के अंदर का जो अपना पानी होता है बस उसी में इसे अभी फिलहाल पकाना है मसाले भुनने तक। बाकी के मसाले भी इसमें ऐड कर लेंगे हम। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, होममेड गरम मसाला है और इसमें 2 टेबल स्पून के जितना पानी डाल दिया क्योंकि पाउडर मसालों को पकने के लिए थोड़ा सा पानी ज़रूरी होता है। तो ये डाल दिया। आप इसे चाहें तो बिना प्रेशर कुकर के भी पतीले में भी पका सकते हैं। पतीले में आप इस तरीके से गोश्त को भूनने के बाद जहाँ पे हम सीटी लगाते हैं वहाँ सीटी ना लगाएं और इसे स्लो आंच के ऊपर 40 मिनट तक पकाएं। इसे 4-5 मिनट तक ढककर पका लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से गोश्त के साथ में भून जाए। मसाला और गोश्त को साथ में भूनते हैं तो गोश्त में दूसरा ही अरोमा आता है और जो गोश्त के अंदर की एक महक होती है वो महक बिल्कुल उड़ जाती है। तो अगर बंजारा मटन बना रहे हैं तो भी आप ये प्रोसेस ज़रूर करें कि मसालों के साथ में गोश्त को भूनना है। मसालों के साथ में गोश्त भूनने के बाद, गोश्त की भुनाई होने के बाद जो खुशबू आती है उससे गोश्त खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने वाले की भूख भी बढ़ जाती है। तो ये मसाला अच्छी तरीके से अब देखिए आप भून चुका है। मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाला था, वो पानी भी सूख चुका है। ऑयल बहुत थोड़ा सा डाला है, थोड़े से ऑयल में ये बनाना है। तो जिन लोगों को ऑयल से परहेज है उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही शानदार रेसिपी है। पानी डाल देंगे 1 गिलास,
इस तरीके से डालेंगे कि चम्मच के ऊपर से मसाला पूरा अच्छी तरीके से साफ होकर पूरा गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसे चला दिया, इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। एक उबाल आने के बाद हम इसे ढक्कन लगा देंगे, मतलब प्रेशर कुकर का कवर लिड जो है लगा देंगे, और एक सीटी आने के बाद ढक्कन लगाया, इसकी सीटी लगा दी, और एक सीटी आने के बाद गैस स्लो करेंगे, और चार सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे। चार सीटी आने के बाद गैस बंद कर दिया मैंने, और अब इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। अपने आप ये ठंडा हो गया, तब मैंने प्रेशर कुकर को खोला है, गोश्त को मैंने चेक कर लिया है, गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। चार सीटी आने के बाद मैंने इसमें उबले हुए आलू डाल दिए हैं, आलूओं को अलग से उबाल के रखा था, उन्हें डाल दिया है। दो आलू डाल दिए हैं, आपकी पसंद है, आप आलू डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को इसमें के आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैं उन्हें उबाल कर पानी फेंक देती हूँ और फिर वो आलू डालती हूँ। और इसे हमने सर्विंग बोल में निकाल लिया है। आप देखेंगे कि इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़रा सा ऑयल पड़ा है। गार्निश किया है मैंने हरी धनिया के साथ में, और सर्व करने जा रहे हैं मैं इसे चपाती के साथ में। तो बड़े आराम से जब चाहे तब आप इसे बनाएं, प्रेशर कुकर में बनाएं, और जल्दी से 20 से 25 मिनट के अंदर ये पक के तैयार हो जाने वाला है। तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।